हाय फ्रेंड, आर्ना एंड ब्यूटी के चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पनीर पराठा बनाना बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने गेहूं का आटा ले लिया है 2 कटोरी। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम गूंथ लेते हैं। ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने आटे को गूंथ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इसको हम मसल लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ घी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मसल के इसको हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ऊपर से घी लगा के इसको हम ढक के रख देंगे। तो तब तक हमारा रेस्ट होता रहेगा। इधर हम देखिए पनीर को हमने घिस लिए हैं, तो घिस के रख लिए हैं। और यहाँ हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सबको यहाँ मोटा मोटा काटे हैं, क्योंकि हमको चॉपर से चॉप करना है। तो चलिए इसको हम चॉपर में इसको हम चॉप कर लेते हैं बारीक, तो ताकि ये पतला हो जाता है तो हमारा पराठा फटता नहीं है। तो देखिए हमने चॉपर से इसको चॉप किया, लेकिन ये और मोटा, इसको हमको और पतला करना है। तो हम और पतला करके इसको हम पनीर में मिला देंगे। तो देखिए अभी हमारा पतला हो चुका है। तो अब हम इसको पनीर में डाल देंगे। जो और बचे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक हैं सबको डाल के हम एक बार और चॉप कर लेंगे। तो देखिए हमने सब कुछ यहाँ डाल दिया है। यहाँ हमने डाल दिए हैं धनिया का पाउडर, और यहाँ अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले इसी तरह हमने डालेंगे। यहाँ अजवाइन जो है हमने हाथ से कस करके डाल लिए, कुछ लोग आटे में भी डालते। और यहाँ हमने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और यहाँ हमने मिक्स मसाले जो है भुरे हुए जीरे का पाउडर डाल दिए हैं, और अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिए हैं। तो इसमें हम सारे मसाले डाल दिए हैं। हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो थोड़ा सा हमने लाल मिर्च भी डाल, खाना पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। तो जो भी मसाला आपको खाना पसंद हो डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा आटा सेट हो चुका है। तो इसको और हाथ से हम थोड़ा सा मसल लेंगे। तो चलिए अब इस तरह से हाथ से इस तरह हमने फैलाते हुए इसको ऐसे गोल बना लेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से गोल बना लिए। अब इसमें हम इसको भर देंगे, जितने मटेरियल हमने बना के रखा है इसको सबको भर के। और थोड़ा ज़्यादा ही भरेंगे तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अब हम इसको धीरे धीरे घुमाते हुए इसको हम बंद कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर बचेगा उसको हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा पराठा बीच में मोटा नहीं होगा। और नहीं तो मोटा मोटा लगता है। तो इस तरह से हमको सारे आटे जो एक्स्ट्रा है निकाल लेंगे, और इसको हाथ से आटा, सूखा आटा लगा के इसको हाथ से फैला लेंगे। तो पहले हाथ से ही फैलाएंगे धीरे धीरे, ताकि हमारा जो है पराठा फटे ना। फिर इसको हल्के हाथ से बेलन से घुमाते हुए इसको हम बेल लेंगे, ताकि हमारा पराठा जो है फटे ना। तो इस तरह से देखिए हमने पराठे को बेल लिया। इतनी बड़ी साइज आपको बेलना, छोटा बड़ा आप बेल सकते हो। तो इधर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो अब हम पराठे को इसमें डाल दिए हैं। तो अब दोनों तरफ से हम इसमें घी या तेल, जो आपको खाना पसंद है वो आप लगा सकते हैं। हमने घी लगाया है, तो इसको हम घी लगा के दोनों तरफ से अच्छा धीमी आँच से इसको हम, तो हमने इसमें घी लगा के दोनों तरफ से अच्छा सेक लेंगे। तो हमारा पराठा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हमने सारे पराठे को बना लिया है। तो हमारा पराठा बहुत ही अच्छा
बना था। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पराठे को बना लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।